हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 15 करने वाले हैं, क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट। देखिए, इसमें आपका सेम टॉपिक मतलब सेम स्टार्ट किया गया है फिर से, जो आपकी बस की यात्रा का दूसरा भाग है। पहला भाग हमने कर लिया था इससे पहले वाली वर्कशीट नंबर 14 में, ये आपका दूसरा भाग दिया गया। तो सभी बच्चे अपने अपने हिंदी की नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग वर्कशीट को हैंड टू हैंड कंप्लीट कर सकें। पुराने बच्चे जानते हैं मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है, और मैंने जो गिफ्ट के बारे में आप लोगों को बताया था पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में काफ़ी पुराने बच्चे जानते हैं। अगर आप लोगों को जानना है तो जो बच्चा वीडियो को पूरी देखता है उसी के चांस ज़्यादा होते हैं गिफ्ट को जीतने के, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको ज़रूर पता लग जाएगा उसके बारे में। विषय आपका क्या दिया गया बच्चों? हिंदी। क्लास आपकी बच्चों कौन सी है? 8th। ठीक है, वर्कशीट का नंबर आपका कितना बच्चों? 15। ठीक है, अब देखिए 8 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। देखो प्यारे बच्चों, आइए आज बस की यात्रा का दूसरा भाग पढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, ठीक है, जो बस की कंपनी है उसके एक हिस्सेदार, उसके जो मतलब पार्टनर है, वो क्या बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस आप चलती है? हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बैठ गए, फिर वो बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, कि आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ठीक है, राजा रंक फकीर सो जाएगा, कौन? राजा रंक फकीर। आदमी को पूछ करने के लिए एक नियमित समय चाहिए। ठीक है, देखो अब आपके शब्द देखो इसमें क्या क्या आपके हाईलाइट किए गए हैं। देखो हिस्सेदार, हिस्सेदार का मतलब आप सभी को पता है साझा, आपको विश्वसनीय के मतलब भरोसे, ठीक है, कोई भरोसा करने वाला। रंग का मतलब बच्चों गरीब होता है, यहाँ तीन दिया था राजा रंग फकीर, ठीक है, और आपका कूच करना का मतलब जाना, निमित्त का मतलब कारण निमित्त। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने पढ़ा और इसके बेसिस पे ही हमें क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए नीचे। ठीक है, देखो यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथी ने ऐसा क्यों पूछा? ठीक है, तो आप इसका आंसर करेंगे आंसर नंबर 1। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। देखो इसमें आप लिखोगे क्योंकि बस की हालात बहुत, इससे पहले वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? बहुत ही खराब हालत थी उस बस की, क्योंकि बस की हालत, ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पे हालत, खाली ले आएगा, बस की हालत बहुत खराब थी। और बस काफ़ी पुरानी थी, क्या थी बच्चों? बस काफ़ी पुरानी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए, आपके अनुसार डॉक्टर मित ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? ठीक है, उन्होंने क्यों कहा? देखो क्योंकि ये बस एक तो पुरानी थी, पहले कई बार इसमें यात्रा वो कर चुके थे। ठीक है, देखो आप सेम इसी में ये भी लिखोगे क्योंकि वह पहले कई बार
कई बार इसमें यात्रा भी कर चुके थे, इसमें यात्रा भी कर चुके थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें दिया गया थर्ड, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? ठीक है, देखो उन्होंने क्या बोला था कि अंतिम विदाई दे रहे हो, कह रहे हो कि आना जाना तो लगा रहता है, इस धरती पर आए हो तो जाना ही होगा। ठीक है, ऐसा करके उसने विदाई करी। ठीक है, लेखक को लगा कि वे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों, कि वे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे और कह रहे हो कि आना जाना तो लगा ही रहता है, कि आना जाना तो लगा ही रहता है। जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही होगा। ठीक है, जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही होगा, जाना ही होगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। चलिए अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, थर्ड तक हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। फटाफट तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसकी दो लाइन मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के आंसर लिखने हैं। ठीक है, विश्वनीय की बच्चों हमें दो लाइन बना के लिखनी है। ठीक है बच्चों, विश्वनीय की हमें दो लाइन बना के लिखनी है। देखिए अब ये मैं रफ कर देता हूँ एक लाइन यहाँ से। जिसका रह गया वो बच्चों आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, विश्वनीय आप इसमें लिख सकते हो। इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? इस बस पर यात्रा करना विश्वसनीय है। इस बस पर यात्रा करना विश्वसनीय है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में कौन सा वर्ड दिया गया है? अंतिम। यह तुम्हारा अंतिम फैसला है, यह तुम्हारा अंतिम फैसला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका दिया गया गतिविधि 5। क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस रिक्शा ऑटो साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे हाँ।
मैंने भी ऐसी एक खटारा ऑटो में यात्रा की है। खटारा ऑटो में यात्रा की है, यात्रा की थी। इसी लिखोगे? ठीक है। वह बहुत रुक 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 वह बहुत रुक रुक कर चल रही थी। ठीक है बच्चों, खटारा मोस्टली जो बस कुछ होती है उनमें क्या होता है बच्चों, रुक रुक कर चलती है। ठीक है, क्योंकि उनके इंजन क्या है बच्चों, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको वर्कशीट समझ में आई होगी अच्छे से। अब देखो मैं आपको गेम के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मैंने विलोग चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले लेंगे। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे मेरा चैनल खुल जाएगा जिसका नाम है सुजीत सिंह। ठीक है, ये मेरा नाम है, तो ये वाला चैनल खुल जाएगा। इस पर आप बच्चों सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लोगे। ठीक है, जिससे कि जैसे ही मैं इस संडे को वीडियो अपलोड करूंगा उस पर, ठीक है, उस वीडियो के अंदर बच्चों आपका गिफ्ट दिखाऊंगा मैं। ठीक है, जो बच्चा उस वीडियो को पूरी देखेगा उसे पक्का उसे गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, जो मैं आपको दूंगा। ठीक है, मान लो उस पर बहुत बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, अब सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो मेरी वीडियो को डेली देखता होगा, मतलब मेरे चैनल से डेली वर्कशीट करता होगा, डेली पढ़ाई करता होगा और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा और वीडियो को पूरी देखता होगा। ठीक है, मेरा मेन इंडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तभी बच्चों आप विनर बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाएगी, आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।